हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नया दिन नई शुरुआत। सो आज मैंने बनाया न्यूट्रिला राइस। संडे है आज, तो सबको सब लोगों का मन था खाने का फ्राइड राइस, तो न्यूट्रिला राइस बनाया, दही के साथ खा रहे हम लोग। और खाने पर निकलेंगे, मेरे को दांत में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो उसको सही करवाने के लिए निकलेंगे। उसके बाद शाम को प्रॉमिस किया उनके पप्पा ने कि उनको रेल म्यूजियम घुमाएंगे, तो वो भी करेंगे आज। और ईवान का भी सिर्फ बहाने थोड़ा ईवान भी घूम लेंगे, लेकिन ईवान की बदमाशी जो है वो कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और चलिए अब खा लेते हैं न्यूट्रिला राइस। कैसा बना है बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। आप बताइए जी। एक नंबर। इतना धीरे बोलेंगे आप। बहुत अच्छा। आप लोगों ने अच्छा बनाया है। चलिए और हाँ, जाऊंगी फोन देखने क्योंकि मुझे नया फोन लेना है। इसका कैमरा क्वालिटी अब सही नहीं लग रहा है, थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए नया फोन सर ने कहा दिलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा फोन लेते हैं और आज क्या क्या करती हूँ आप लोगों को सब दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद खाने के बाद। हेलो दोस्तों, सो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। सो आज शाम को मैं सर के लिए बना रही हूँ बैंगन का भरता। और सो ये भरता मैं कुछ यूनिक और नए स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। सो ये उसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मसाले में क्या क्या है, ये साइड में ये देखिए रख दिया है। सो मैं आपको क्विक से बता देती हूँ कि मसाले में मैंने क्या क्या भूना है, और भून के उस फिर उसको पीस के तब मैं ये देखिए धुल दिया है। और छील के बैगन जो है इसको छील के हम यूज़ करेंगे बैगन को, ठीक है। तो मसाले में क्या है पहले वो मैं आपसे जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। मसाले में है जीरा भुना हुआ, सौंफ भुना हुआ, एंड लाल खड़ी मिर्च भुनी हुई, खड़ा धनिया भुना हुआ, और उसके बाद लास्ट में जब आप भून लीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और आमचूर पाउडर ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद लहसुन की कुछ कलियाँ रहेंगी, तो उसको जब आप इसको पीसेंगे, देखिए पूरा मसाला यहाँ पे मैंने ये भून लिया है, बाद में मैंने ये मसाले को ऐड किया है चाट मसाला, और वो इसमें आप एक कली ले लेंगे लहसुन की। और इसके बाद जब ये मसाला आप इसको पीसेंगे ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर में, जब आप पीसेंगे तो इसमें आप ये कलियाँ भी डाल देंगे साथ। सो जितने भी मसाले मैंने आपको बताया उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में देखिए ट्रांसफ़र करिएगा, उसमें लहसुन की जो कलियाँ आपको डालनी है उतनी डाल दीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा सो दैट कि ये थोड़ा सा मुलायम मसाला जो है वो पीस के एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। फिर उसके बाद आप लोग मिक्सर ग्राइंडर पे इसको अच्छे से एकदम पीस लीजिएगा मसाले को। और उसके बाद आप लीजिएगा एक प्याज, और ये देखिए मसाला यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। और ये प्याज और एक मिर्च, क्योंकि मिर्च मैंने पीसी भी है तो इसलिए इसमें एक ही मिर्च लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे नहीं तो बहुत तीखा बन जाएगा। सो आप फिर उसके बाद ये देखिए तेल ऑयल गरम करिएगा, उसके बाद ऑयल में डालिएगा ये देख ही रहे होंगे आप मिर्ची और प्याज, उसके बाद इसको अच्छे से भून लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें ऐड करिएगा हींग, तो यहाँ पे देखिए मैंने हींग ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको फिर से अच्छे से भूनिएगा। इसके बाद अब बारी आती है इस मसाले को इसमें ऐड करने की। सो ये मैं एक हाथ से तो कर नहीं पाऊँगी, सो दूसरा हाथ जो है मुझे इसमें यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं आपको मसाले को ऐड करके फिर दिखाती हूँ ये वीडियो। सो वीडियो को मेरे को थोड़ा सा रोकना पड़ा क्योंकि दोनों हाथ से मैंने मसाले को ऐड किया अच्छे से। सो ये देखिए मसाले को इसमें ऐड कर लेंगे और इसको तब तक भूनेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक ये जो मसाले हैं वो एकदम बिल्कुल तेल ना छोड़ दें। तो इतना तो आप लोगों को भी पता होगा कि मसाले को अच्छे से जितना अच्छे से आप भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो खैर यहाँ तो मैं सब्ज़ी बना नहीं रही हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। आप इसको भरता भी कह सकते हैं और बैंगन की कलौंजी भी कह सकते हैं, लेकिन अलग स्टाइल में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो छिलका वाला जो कलौंजी बनता है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता नहीं, वो मैश करके ही खाना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए इस स्टाइल से क्यों ना बनाया जाए। सो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि उसके बाद आप लोगों को रिव्यू भी दूंगी कि कैसा बना था। सो बस मसाला जब भून जाए तो उसमें आप थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए, जो कि देखिए मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद उसको चलाते रहिए, भूनते रहिए मसाले को। बस किसी भी सब्जी की खासियत होती है उसका मसाला, जितने अच्छे से मसाला आप भूनेंगे तैयार करेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी और लजीज बनेगी। तो यहाँ मैं कंटिन्यूस यहीं खड़े होकर मसाले को भून रही हूँ। ये ऐसी सब्जी ऐसा डिश है कि इसको आपको खड़े रह के बाद प्रॉपर बनाना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो से तीन बैगन लिए हैं, इनको छील लिया है, काट लिया है, और जो एक्स्ट्रा मेरे को बीज रहता है ना मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बीज बैगन में बहुत ज़्यादा बीज रहना मतलब वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बैगन को काटते वक्त अगर एक्स्ट्रा बीज आपको दिख रहा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। और आप जब खड़ा बैगन का कलौंजी बनाते हैं तो उसमें तो पूरे बीज रह जाते हैं, वो तो आप रिमूव कर नहीं सकते। तो इसलिए ये वाला डिश थोड़ा और इसीलिए उस डिश से थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो ये देखिए इसको मैं बैगन को खूब अच्छे से इसमें मैंने मतलब मिक्स कर दिया है, चला दिया है। उसके बाद इसको हम लोग ढक देंगे, ठीक है,
ढकने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे। सो यहाँ मैंने ढक दिया और अब मैंने सोचा कि इतनी देर में क्यों ना मैं थोड़ा सा आटा गूंथ लेती हूँ, क्योंकि साइड में रोटियाँ भी गरम गरम सिकती रहेंगी, तो सर को फिर सर अभी आए नहीं है, सर को आते ही मैं गरम गरम खाना परोस दूँगी। और दूसरे गैस पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। सो बस ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने देखा ये पक गया है बैगन, देख सकते हैं आप। ये आप लोग के पास भी होगा ये मैशर, जिससे आप चोखा वगैरह जो घर पर होता है ना, आलू वगैरह मैश करते हैं इससे, या फिर अगर नहीं है आपके पास करछल ले लीजिए, चमचा लीजिए, वॉट एवर, जो भी आपको सही लगे। बेसिकली आपको जैसे आप आलू को मैश करते हैं ना एकदम बढ़िया से, वैसे ही आपको इसको एकदम इसका भी कचुम्बर निकालना है, बिल्कुल बकायदा इसको मैश करना है। तो देखिए ऐसे मैश करेंगे, बड़ा मज़ा आता है मैश करने में ऐसे, और देखने में तो इतना लजीज लगता है मैश करने में। ये देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। और हम मैंने बैगन को थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा था, आप जितना महीन बैगन काट सकते काटिएगा, उतना ही टेस्टी और यम्मी ये बनता है। और थोड़ा सा हस्बैंड को थोड़ा बैगन मतलब लाइक दिखना चाहिए थोड़ा प्रॉपर, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा। तो ये बन के बिल्कुल मेरा रेडी हो गया है और आटा भी मेरा साइड में लग चुका है, गुद चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना गरम गरम रोटियां तैयार की जाए और हस्बैंड जी को टेस्ट कराया जाए, खिलाया जाए। सो यहाँ मैं जल्दी, लेकिन हस्बैंड जी खाते नहीं है ना, कहते नहीं तुम भी साथ में लेके आओ, साथ में ही खाएंगे। सो बैगन का भरता तो मेरा तैयार हो गया है, तो मैंने सोचा लगे हाथ अब रोटियाँ भी सेक, तो रोटियाँ मेरी सिक रही हैं। और रोटियाँ सेकने के बाद तो बस फिर क्या था, उसके बाद परोस के मैं ले गई रूम में हम लोग खाने। और ये आम की चटनी मैंने बनाई है, साइड में रखा, और ये है मेरा बैगन का भरता और रोटियाँ हैं। और उसके बाद सर जो थे अभी तुरंत ही आए थे, तो चेंज वेंज करके सर बैठे थे, इसीलिए मैंने उनको क्लिप में नहीं लिया। तो मैं आप लोग को जल्दी से फटाफट रिव्यू देती हूँ खा के, और खाने में मैं आपको बता दूँ बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बना था। और आपको अगर बिलीव ना हो तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा रेसिपी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय दोस्तों।